तो दोस्तों अभी हम जम्पोर बीच से अपने घर की तरफ जा रहे हैं और साथ में रास्ते का जो व्यू है आप लोगों को दिखाते चलते हैं कि क्या व्यू है, आप ये देख सकते हो। बाकी आज संडे है तो काफ़ी टूरिस्ट लोग जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे, और आपको मैं वीडियो के माध्यम से दिखाता चलता हूँ कि कितने सारे लोग आए हुए हैं। देख सकते हो पार्किंग पे एक भी जगह खाली नहीं है, इतनी सारी गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पे लगी हुई है। और जैसे जैसे शाम का समय होता जाता है तो जो टूरिस्ट लोग हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जब शाम होती है तो ये जो लाइटिंग वगैरह है तो चालू हो जाती है, तो यहाँ का जो व्यू होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। तो इसकी वजह से शाम के समय ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, शाम के समय ठंडा भी मौसम रहता है, इसकी वजह से और ज़्यादा आते हैं। बाकी आपको मैं भीड़ देख लो, इतने सारे टूरिस्ट लोग हैं जो यहाँ पे हैं, साइड पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कितनी सारी जो गाड़ियाँ हैं खड़ी हुई है यहाँ पे। और अभी मैं जम्पोर बीच से मोटी दमन बीच की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज की कुछ बातें हैं जो इस वीडियो में मैं शेयर करता हुआ चलूँगा। जैसा कि अभी आप लोग दमन आ रहे हो तो अगर आप व्हीकल से आते हो तो अपने व्हीकल्स का जो कागज़ वगैरह है वो अच्छे से कंप्लीट हो तभी दमन आइएगा, क्योंकि ये जो जम्पोर बीच रोड है तो ज़बरदस्त चेकिंग शुरू ही थी, पिछले दो तीन जगह पे चेकिंग का लगा हुआ है, तो दो तीन जगह गाड़ी चेक होती है। तो इसलिए अगर आपके पास पूरे जो गाड़ी के कागज़ हैं वो कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे मत आइएगा। साथ में अपना एक डॉक्यूमेंट्स जो भी हो आपके पास, पैन कार्ड आधार कार्ड जो भी हो, डॉक्यूमेंट्स जो है वो ज़रूर अपने साथ में लेकर आए। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है, थोड़ा मैं आपको कैमरा घुमा के भी दिखा देता हूँ कि कितनी सारी भीड़ है। और शाम का समय हो रहा है तो अभी यहाँ पे जैसा जैसा शाम होगा उतने ही ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। और ये एक पुल है यहाँ पे, जो एक छोटी सी नदी गई है उसको कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे एक पुल बनवा दिया गया है, ताकि गाड़ियों को कोई आने जाने में दिक्कत ना हो। यही सब इस तरह पे एक नदी है छोटी सी, तो कुछ इस तरह से ये सीन है यहाँ का। आप देख सकते हो कितने सारे टूरिस्ट लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और ये जो पेड़ पौधे हैं बारिश की वजह से इनमें भी फूल खिल गए हैं, तो वो बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो चार चांद और लग गए हैं। पिछले वीडियो में जब मैं जम्पोर बीच पे आया था तो उस समय बरसात हो रही थी और टूरिस्ट वगैरह जो थे वो उतने नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी आप देख सकते हो कितने सारे टूरिस्ट लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि आपने पीछे भी देखे हैं, साथ में आप लोग देख सकते हो आगे भी कि कितने सारे टूरिस्ट लोग हैं, साथ में गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं। और ये देख सकते हो आज मैं आपको दिखा दूँ कि कितने जगह पे चेकिंग हो रही है, क्योंकि ये जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप अपने व्हीकल से आ रहे हो यहाँ पर तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लाना पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ पर घूमने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे ये एक यहाँ पे चेकिंग के लिए दिया हुआ है, तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे कंप्लीट हो तभी यहाँ पे आइए, अदरवाइज यहाँ पे मत आइए। तीन जगह पे चेकिंग हो रही है, तो अभी मैं आपको आगे चल के और दिखा देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे टूरिस्ट लोग हैं जो यहाँ पे हैं घूम रहे हैं, और जैसे जैसे शाम का समय होगा टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बढ़ता ही जाएगा। राइट हैंड साइड पे देख सकते हो पार्किंग पूरी भरी हुई है और काफ़ी लंबी पार्किंग है, काफ़ी लंबा ये रोड बना हुआ है जम्पोर बीच से मोटी दमन के बीच में करीब 2 किलोमीटर का, तो पूरे में ऐसे ही गाड़ियाँ लगी हुई हैं और ऐसे ही लोग हैं। अभी मैं मोटी दमन तक चलूँगा तो पूरा आपको ये थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको आज मैं पूरा दिखा दूंगा कि कितने सारे लोग हैं, क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप लोग जब देखते नहीं हो तब तक आप लोगों को विश्वास नहीं होता है। इसलिए एक भाई ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि यार मैं संडे को गया था और वहाँ पे कोई नहीं था ऐसा, तो
आज मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों को पूरा दिख सके कि कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। बाकी अगर आप दोपहर को आते हो तो मैं मान सकता हूँ कि दोपहर में धूप ज़्यादा रहती है, इसकी वजह से जो टूरिस्ट लोग हैं वो नहीं आते इतना। लेकिन जैसे जैसे जो मानसून है वो ठंडा होता जाता है तो टूरिस्ट लोग भी आते जाते रहते हैं। तो देख सकते हो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे ये। और साथ में अंदर में बीच में भी दिखा दूँ आप लोगों को, बीच में भी आप लोग देख लीजिए कि बीच में भी कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। बाकी ये जो रोड पे किनारे पार्किंग बनी हुई है यहाँ पे तो लोग हैं ही, बीच के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। बाकी बीच पे जो पानी है वो थोड़ा अंदर को जा चुका है। मैंने जो जमपुर बीच जब दिखाया था तो आपको वहाँ पे दिखा ही दिया था। बाकी देख सकते हो ये घास फूस थोड़ी बड़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं यहाँ पे और काफ़ी भारी तादाद में लोग भी हैं देख सकते हो आप। तो जो जो दमन आने का सोच रहा हो, बस भी चालू हो गई है, जो वापिस से दमन के लिए बस चलती हैं या वलसाड़ से दमन के लिए बस चलती हैं वो भी चालू हो गई हैं एक लिमिट मात्रा में। तो बस का भी टेंशन नहीं है, बाकी टैक्सी वगैरह जो है तो वो तो चलती ही है। तो आप बस के थ्रू, टैक्सी के थ्रू, सेल्फ अगर व्हीकल है तो उसके थ्रू भी आ सकते हो। बाकी अगर सेल्फ व्हीकल लेकर आते हो तो आपको जो कागज़ हैं गाड़ी के वो कंप्लीट होने ही चाहिए। पिछले एक जगह पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि बैरियर लगा हुआ है, वहाँ पे चेकिंग हो रही है गाड़ियों की। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ आगे, एक और जगह पे चेकिंग हो रही है गाड़ी की। साथ में आपको दिखाते चलता हूँ कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। और अगर आपके पास COVID-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट है तो वो अगर है तो वो और आपके लिए अच्छी बात है। अगर आपके पास है तो वो भी आप लेकर आइए, क्योंकि अगर आप रूम वगैरह लेते हो तो उसमें शायद वो आपकी हेल्प कर सकती है। क्योंकि काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पे रूम लेने पे आपको COVID-19 सर्टिफिकेट की जो नेगेटिव रिपोर्ट है वो होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अभी ये जो दमन में से एक रोड गया है मुडी दमन के लिए, तो यहाँ तक आ चुके हैं हम। और अभी करीब आधे से ज़्यादा दूरी तय करना बाकी है। बाकी आप वीडियो देखिए, मैं आपसे बातें भी करता चल रहा हूँ, आपसे जो आपके सवाल हैं उनके जवाब भी देता चल रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। बाकी अभी ड्रिंकिंग वगैरह जो जमपुर बीच है वहाँ पे भी कर सकते हो, बीच के अंदर बैठ के कर सकते हो। ये जो पार्किंग एरिया बनी है यहाँ पे बैठकर आप ड्रिंकिंग नहीं कर सकते हो, अलाउ नहीं है। अगर आप करते हो तो शायद आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। बाकी खाने पीने की भी दुकानें लगी हुई हैं लिमिट मात्रा में। और ये देख सकते हो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। और अभी करीब शाम के 6:30 बज रहे होंगे और जैसे जैसे शाम होगी उतने सारे लोग बढ़ते जाएंगे। और मुझे घर जाने में लेट हो रहा है, इसकी वजह से ये वीडियो जो है थोड़ा मैं जल्दी शूट कर ले रहा हूँ ताकि घर में टाइम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि घर भी दूर है और साइकिल से जाना है तो अपने घर भी समय से पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बाकी हो सकता है कभी मैं नाइट में वीडियो बना के आपको दिखाऊँ, थोड़ा दिन और रुक जाइए, ये थोड़ा जो लॉकडाउन का मसला है ये सही हो जाए, इसके बाद मैं आपको अच्छे से एक दिन नाइट का वीडियो बना के दिखाऊंगा कि दमन में ये जो रोड बना हुआ है इसका नाइट में क्या सीन रहता है, क्या रहता है। बाकी एक दिन मैं रुका था शाम को करीब 7 बजे के करीब तक, तो मैंने वीडियो बनाया था लेकिन उसमें कुछ खास पता नहीं आपने को देखने को मिला होगा। लेकिन किसी दिन रुकूंगा 8-9 बजे तक, तब आपको मैं अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा कि क्या सीन रहता है यहाँ का। बाकी डे में आप लोग देख लीजिए, डे में इतने सारे टूरिस्ट लोग हैं, इसलिए मैं आप लोगों से पहले जब मैं लाइव आया था वीडियो पे मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं अगले संडे को जो आया था, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया था सिर्फ इसी की वजह से कि यहाँ पे इतने सारे टूरिस्ट लोग हैं इतनी सारी भारी संख्या में। और
देख सकते हो कितने सारे लोग हैं, गाड़ियां भाई एकदम से लगी पड़ी हुई हैं, एक भी जगह नहीं है गाड़ी पार्किंग करने के लिए, इतने सारे लोग हैं। और ये लोग हैं, ये लोग सफाई अभियान को प्रमोट कर रहे हैं, सफाई का लोग ध्यान रखे यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे ये लोग खुद सफाई करते हैं, साथ में लोगों को भी प्रेरित करते हैं ताकि लोग गंदगी यहाँ वहाँ ना फैलाएं। वैसे भी अगर आप लोग बीच पे आते हो तो जो गंदगी है बीच पे मत फैलाइएगा, यहाँ पे हर जगह पे डस्टबिन लगे हैं। जो ये पार्किंग एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे भी थोड़ी थोड़ी दूर में डस्टबिन लगे हैं, तो आप डस्टबिन का यूज़ कीजिए और जो कचरा वगैरह है आप जो भी आप खाते पीते हो वो सब उसमें डालिए ताकि बीच जो है वो साफ रहे, तो लोग जो है उनको भी अच्छा लगे। साथ में अगर ऐसा करते हुए पकड़े भी जाते हो तो आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है, तो इसके लिए आप बीच को स्वच्छ रखिए। और जैसा कि ये जो बीच है काफ़ी खूबसूरत बीच है, इसलिए यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है, और हो सकता है कि कुछ आने वाले दिनों में जो देवका बीच है वो भी इसी तरह से हो जाए, तो वहाँ की भी वीडियो हम अपलोड करेंगे जब देवका बीच का जो कंस्ट्रक्शन का कार्य है वो पूरा हो जाएगा। बाकी आप ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पे, और बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। आपको मैं थोड़ा कैमरा जो है वो पीछे करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो कितने सारे लोग हैं पीछे और आगे भी, और गाड़ी पार्किंग देख सकते हो पूरी भरी हुई है भाई, पूरी गाड़ी पार्किंग जितना एरिया है वो सारा भरा हुआ है पूरा। अब धीरे धीरे गाड़ियाँ जो हैं और आती जाएंगी क्योंकि शाम का समय है और शाम के समय में टूरिस्ट बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों सामने ये आयुष्मान भारत का एक जुम प्रिम, यानी कि एक आयुष्मान भारत का ऑफिस है जो कि बंद है अभी, और इसका शिलान्यास हमारे देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने किया था। बाकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप आ सकते हो, कोई वैसे इशू नहीं है। होटल वगैरह के बारे में एक मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर बना दूंगा, बट आज तो नहीं बना सकता हूँ क्योंकि आप भी देख सकते हो कि अभी जो समय है काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अभी घर भी जाना है, तो इसकी वजह से जो वीडियो है वो शायद नेक्स्ट संडे को जो है वो मैं शूट कर पाऊँ। तो वीडियो देखिए, इंजॉय कीजिए, आप भी हम भी इंजॉय कर रहे हैं साथ में, बाकी आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट है ही, तो इसकी वजह से थोड़ा वीडियो जो है जल्दी जल्दी बन जाते हैं, अदरवाइज इतनी जल्दी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसलिए आप 6-7 महीने पहले का रिकॉर्ड देख लीजिए कि जो वीडियो है महीने 2 महीने में या फिर 10-15 दिन में, यानी कि उसका कोई निश्चित टाइम नहीं था कि हाँ वीडियो आएगा ही महीने के अंदर, ये भी नहीं था। लेकिन अभी आप लोगों का सपोर्ट है और प्यार है तो इसकी वजह से जो वीडियो है वो बहुत ही टाइम टू टाइम आ रहे हैं, देख सकते हो लड़के लोग मज़े कर रहे हैं। और भाई तो यहाँ पे आप भी आ जाइए, और अगर आप पीना ही ना चाहते हो तो बीच पे उतर जाइए, बीच के अंदर बैठ के आराम से चिल मार के, और बाकी जो आपका मटेरियल वेस्टेज वाला बचे आप उसको, यहाँ पे पार्किंग एरिया पे बहुत सारे डस्टबिन लगे हुए हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसकी वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, और आइए मज़े कीजिए, चिल कीजिए। ये देख सकते हो यहाँ पे भी चेकिंग लगी हुई है, 3 जगह पे चेकिंग लगी हुई है, पिछली 2 जगह पे मैं आपको दिखा चुका हूँ और ये 3री जगह पे है। तो प्लीज़ अगर आपके पास आपके गाड़ी के जो कागज़ हैं वो कंप्लीट नहीं है तो मत आइएगा, मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आपके गाड़ी के कागज कंप्लीट नहीं है और आप ऐसे ही आ जाओ। तो चेकिंग भाई चल रही है, बाकी COVID-19 सर्टिफिकेट नहीं मांगते, बस आपके गाड़ी के जो कागज़ है उनकी चेकिंग करते हैं। तो अभी मेरे को यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि देख सकते हो आप गाड़ियाँ हैं, इनको भी निकालना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा सीन वगैरह दिखा देता हूँ, देख सकते हो क्या है, ऐसा कुछ सीन है। जैन सर, तो इस सर वगैरह हैं अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं और हम भी अपनी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, आप लोगों ने ड्यूटी पकड़ा दी है कि इतना प्यार और सपोर्ट है, तो वीडियो है बन रहे हैं। और सामने लाइट हाउस देख सकते हो, लाइट हाउस भी बन के कम्प्लीट होने वाला है। ये यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बता रहा था कि ये क्या है, तो यहाँ पे
ये बैठने आटने का कुछ सिस्टम है कि लोग आएंगे बैठेंगे अपना, अगर फ्रेश रस होना है तो उसके लिए सिस्टम सब बनाया जा रहा है यहाँ पे। और नीचे भी देख सकते हो कितने सारे लोग हैं बीच पे, और बहुत सारे आज लोग आए हैं यहाँ पे। और नानी दमन में भी आप देख सकते हो कितने सारे लोग वहाँ पे भी दिख रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख जाएंगे नानी दमन उस तरफ यानी कि। और ये है लाइट हाउस अपना, ये देख सकते हो ये भी पार्किंग पूरी भरी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे पार्किंग पे एक भी रुपया आपका नहीं लगने वाला है, जीरो चार्ज है, आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए आराम से घूमिए, इसके बाद गाड़ी अपनी फिर ले लिए। मेरा कैफ़े जो था बंद था अभी तक, वो भी चालू हो गया है, तो खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हो तो ये मेरा कैफ़े है, तो यहाँ भी चालू हो गया। बाकी अभी जो एक्टिविटीज़ वो वाली थी जैसे कि वोटिंग करना या फिर हॉर्स राइडिंग, यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है ये जो जम्पोर बीच है। बाकी मैंने आपको नानी दमन का जो बीच है वहाँ पे भी दिखाया था कि वहाँ पे जो हॉर्स राइडिंग है वो अवेलेबल है। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये है मेरा कैफ़े, तो यहाँ पे आकर आप अपना इंजॉय कर सकते हो। ये देख सकते हो ये बना हुआ है मेरा कैफ़े, और ये लाइट हाउस है, ये आप देख लीजिए ये लाइट हाउस है। बाकी ये अपनी साइकिल है, ये देख लीजिए, जो कि मैं चला रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज थोड़ा अलग तरह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अपना सेल्फी विथ ट्राइपॉड है उसको पे फ़ोन लगा के सीधे डायरेक्ट वीडियो है शूट कर रहा हूँ, ताकि आज ये थोड़ा अलग टाइप से मैंने वीडियो शूट किया है। कमेंट्स करके बताइएगा कि वीडियो जो है कैसा लगा है। बाकी अभी हम आ चुके हैं मोटी दमन फोर्ट के पास में, और ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए अपने YouTube चैनल कानपुर बॉयज में। जय हिंद, जय भारत, और दोस्तों प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा।